Hello students, last time we discussed the types of capital structures, and in capital structures the factors affecting capital structures is internal factor and external factors. So today we'll discuss the internal factors and external factors one by one. Internal factors, types of business. Then more fixed capital is required in the large scale manufacturing units, while less fixed capital is required in trading unit. So nature business, sorry, business का types कौन से types का है? Suppose आप manufacturing types के business में जा रहे हो, तो वहाँ पे तुम्हें machinery है, then land, godown, वो सब required है, यानी कि जो तुम्हारी fixed capital है, वो fixed capital is required in the large scale. यहाँ पे large scale पर fixed capital required है, if your business is manufacturing unit है, and while the less fixed capital is required in trading units, in service unit. Suppose आपका trading unit है, और in service unit, the fixed capital investment is determined on the basis of service. आप कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसके बेसिस पर तुम्हारी फिक्स कैपिटल रिक्वायर्ड है. तो सिंपल टाइप्स ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग तुम्हारा कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है वो पता चलेगा. सो व्हेन द बिजनेस इज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यानी प्रोडक्शन यूनिट हमने कोई डाल दिया है, तो मोर फिक्स कैपिटल इज रिक्वायर्ड. ट्रेडिंग बिजनेस में है तो यहाँ पे कंपेरेटिवली लेस कैपिटल इज रिक्वायर्ड. और इन सर्विस यूनिट the fixed capital investment is determined on the basis of service. आप कौन से टाइप की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसके बेसिस पर तुम्हारी कैपिटल की रिक्वायरमेंट डिसाइड होगी. नाउ साइज ऑफ द बिजनेस. सपोज कि तुम्हारा बिजनेस ऑल ओवर इंडिया लेवल पर है या फिर अदर कंट्रीज में भी कर रहे हो, तो साइज जितनी ज़्यादा होगी उतनी तुम्हारी कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, और साइज जितना कम है वो तुम्हारी कम होने वाली. सो ड्यू टू द लार्ज स्केल एक्टिविटीज, ड्यू टू large scale activities, big business unit required fixed capital in a large proportion. Big business unit, जितने unit बड़ा है, it means fixed capital in a large proportions, उसको large proportions में fixed capital की requirement है. और small size industrial units, small size industrial units require comparatively less fixed capital. और जो तुम्हारा business unit small size में है, तो comparatively less fixed capital is required. Trading units required less fixed capital comparatively. Trading unit में भी comparatively less fixed capital requirement है. It means depend on size पर depend कर रहा है कि तुम्हारी कितनी capital की requirement है. Third point है estimation of business income. बिजनेस की इनकम को तुम्हें एस्टिमेट करना है, तो वो भी पता चल रहा है कि तुम्हारा बिजनेस का टर्नओवर जितना ज़्यादा है उतनी मीन्स इनकम ज़्यादा होगी, टर्नओवर कम हुआ तो कम होने वाली. तो अर्निंग ऑफ बिजनेस मे बी सर्टेन और अनसर्टेन. कंपनी कैन डिपेंड ऑन बोरोड कैपिटल इफ अ फ्यूचर एस्टिमेटेड अर्निंग इज फिक्स्ड एंड हैंडसम. फ्यूचर में सपोज कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, तो फिर आप बोरोड कैपिटल भी ले सकते हो, क्योंकि मीन जब प्रॉफिट अच्छा होगा या इनकम ज्यादा होगी तब हम वो पेमेंट कर सकते. नेचर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ असेट्स. नेचर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ असेट्स. इफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ फिक्स्ड असेट्स आर नॉट लार्ज स्केल, requirement of assets not required in a large scale in business, then the ratio of equity share will be high in capital structures. समझ लो कि ज़्यादा capital की requirement नहीं है तो वो company सिर्फ अपनी जो owners capital है यानी कि equity share capital है वो ratio means ज़्यादा होने वाला है. capital structures में equity share ratio का proportion high होगा, it means ज़्यादा होने वाला है. इक्विटी सेल्स विल बी हाई इन अ कैपिटल स्ट्रक्चर ड्यू टू हाई इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड असेट्स. ड्यू टू हाई इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड असेट्स
It is also considered whether the fixed assets are to be purchased or to be acquired on hire purchase or on a lease. कई बार ऐसा होता है कि फिक्स कैपिटल समझ लो कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो हम हायर परचेज सिस्टम्स या तो लीज पर, दैट मीन सिंपल लैंग्वेज में रेंट पर भी परचेज कर सकते हैं उसे यूज, फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली एज पर द रिक्वायरमेंट वी कैन परचेज ऑल्सो. एटीट्यूड ऑफ डायरेक्टर्स, इफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी डिजायर टू रिटेन द मैनेजरियल कंट्रोल on company, they do not issue the equity shares in a greater proportion and depend more on preference share and debentures. Simple है कि company जो अपना control है, managerial control है, अपने हाथ में रखना चाहती है, तो simply है कि means वो इतने share issue करेंगे कि जिसमें से वो 51% share and more than 51% share अपने पास रखे, जिसकी वजह से जो managerial control है वो किसी और के हाथ में नहीं जा सकता है. सो व्हेन कंपनी नीड्स मोर फंड और ज्यादा फंड की रिक्वायरमेंट है, तो वो प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर और लोन एटसेट्रा, इट मीन्स बोरोड फंड और दी प्रेफरेंस शेयर पर डिपेंड ज्यादा करेंगे. सो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, कैपिटल कैन बी रेज ओनली बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इफ रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल इज ऑन द स्मॉल स्केल. स्मॉल स्केल पर कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो तो सिर्फ हम इक्विटी से इश्यू करके भी यानी कि वो फुलफिल कर सकते हैं. वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज आर टू बी इश्यूड इफ लार्ज स्केल कैपिटल फंड इज नेसेसरी. वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज आर टू बी इश्यूड, वेरियस टाइप की सिक्योरिटी हम इश्यू कर सकते हैं. इफ लार्ज स्केल कैपिटल फंड इज नेसेसरी, जब लार्ज स्केल पर कैपिटल फंड की रिक्वायरमेंट है तो हम डिफरेंट सिक्योरिटीज जैसे डिस्कस किया ना, प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं, डिबेंचर इशू कर सकते हैं, बॉन्ड से ले सकते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज हम इशू कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, हाउ मच फाइनेंस विल बी रिक्वायर्ड इन फ्यूचर, फ्यूचर में कितना रिक्वायरमेंट है हमें, हम जितना बिजनेस डेवलप करेंगे उसके अकॉर्डिंग मीन्स हमारी रिक्वायरमेंट होगी फॉर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव प्लान. पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर ग्रोथ इज ऑल्सो टू बी कंसिडर्ड. हमारा जो प्लान है और फ्यूचर ग्रोथ को भी माइंड में रख के मीन समो स्ट्रक्चर यानी कि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट डिसाइड करेंगे, इज टू बी कंसिडर्ड वाइल फॉर्मुलेटिंग कैपिटल स्ट्रक्चर. जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर को फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो फ्यूचर हमारा जो प्लान है, फ्यूचर रिक्वायरमेंट है, उसे माइंड में रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग मीन्स हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो हम प्रिपेयर करेंगे. ड्यूरेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, कितने टाइमिंग पीरियड के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट है, हमारा बिजनेस कब तक डेवलप हो जाएगा, फिर वो गेनिंग यूनिट में कितना ज़्यादा प्रॉफिट करेगा, वो सब यानी कि प्रोडक्शन लाइन में जा रहे हो तो प्रोडक्शन स्टार्ट होके वहाँ से अर्निंग स्टार्ट होगी तब तक का टाइमिंग पीरियड, या फिर उसे डेवलप होने तक का टाइमिंग पीरियड जितना है वहाँ तक मीन्स यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो सकती है. सो इफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड परमानेंटली कंपनी विल प्रीफर टू इश्यू द इक्विटी शेयर. समझ लो कि परमानेंट बेसिस पर लग रहा है कि तुम्हें कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन है इक्विटी शेयर. क्यों? कि वहाँ पे लाइक प्रॉफिट कम भी हुआ या प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो कंपनी पर कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है. वॉट एवर द प्रॉफिट कंपनी अर्न, कंपनी जो भी प्रॉफिट अर्न करेगी उसमें से इक्विटी शेयर होल्डरों को डिविडेंड मिलेगा, अदरवाइज एक्स्ट्रा कोई इंटरेस्ट और डिविडेंड ऐसा कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस कंपनी के लिए यानी एक्स्ट्रा बर्डन होने वाला नहीं है. ऑन दी अदर हैंड, इफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड, कंपनी विल प्रोक्यूर्स कैपिटल थ्रू डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर. और शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो शॉर्ट टर्म के लिए सिंपली है कि कंपनी इक्विटी शेयर नहीं लेगी, डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर से कंपनी कैपिटल लेके फिर वापस उनको रिटर्न भी कर देगी, कि जिसकी वजह से नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज हो गए तो रेट ऑफ डिविडेंड क्या होने लगेगा, डिक्रीज होगा. सो एक्सटर्नल फैक्टर्स, कंडीशन ऑफ बूम डिप्रेशन इन अ कैपिटल मार्केट, कंडीशन ऑफ बूम और डिप्रेशन इन कैपिटल मार्केट फॉर स्टेडी इनकम इन दैट डिप्रेशन
डिप्रेशन इन अ कैपिटल मार्केट, और यहाँ पे डिप्रेशन है, कंडीशन ऑफ ब्लू बूम एंड डिप्रेशन इन कैपिटल मार्केट फोर्स स्टेडी इनकम इन डिप्रेशन पीरियड, यानी कि जब मंदी का टाइमिंग हो रहा है, डिप्रेशन पीरियड है, और उसमें एक स्टेडी इनकम के लिए द इन्वेस्टर प्रीफर्स टू इन्वेस्ट इन डिबेंचर्स बट नॉट इन इक्विटी सेल्स। तो मींस स्टेडी इनकम के लिए, लाइक कि आप रिटायरमेंट हो चुके हो और रिटायरमेंट के बाद अब आपको मींस एक परमानेंट रेगुलर इनकम चाहिए तुम्हारे जो मींस एक्सपेंस के लिए, तो हम क्या सोचेंगे, एक रेगुलर इनकम मिलनी चाहिए। तो ऐसे स्टेडी इनकम के लिए हम कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर रिस्क बेसिस पर है। तो हम इन्वेस्ट कहाँ पे करेंगे, डिबेंचर में, जिससे हमें फिक्स इंटरेस्ट मिलता रहे। व्हाइल इन द पीरियड ऑफ बूम, और जब मार्केट में बूम टाइमिंग यानी कि तेजी का टाइमिंग होता है, इन्वेस्टर्स विल प्रीफर टू इन्वेस्ट इन अ इक्विटी शेयर विथ एक्सपेक्टेशन ऑफ हायर डिविडेंड। तब मीन्स इन्वेस्टर क्या सोच रहे हैं कि अब इक्विटी शेयर में, अभी मीन्स मार्केट में बूम यानी कि अच्छा टाइमिंग चल रहा है, तो जब मीन्स उसी टाइम में वो क्या करेंगे, तो इक्विटी शेयर में पैसे डिविडेंड करेंगे, जिसकी वजह से उनको हाई रेट ऑफ डिविडेंड यानी ज़्यादा मीन्स डिविडेंड मिले। थर्ड, द फॉर्मुलेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन प्रेजेंट ट्रेंड्स ऑफ कैपिटल मार्केट, बेस्ड ऑन प्रेजेंट ट्रेंड्स, जैसे मीन्स प्रेजेंट का ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मीन्स हमें वो कैपिटल स्ट्रक्चर करना होगा। नाउ प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इन कैपिटल मार्केट, इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाई इन कैपिटल मार्केट, द ट्रेंड इज टू इशू द इक्विटी शेयर्स टू प्रोक्यूर फंड, बिकॉज द पेमेंट ऑफ हाई इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल बिकम्स अ बर्डन ऑफ कंपनी। डिबेंचर आर ऑल्सो गिवन अ प्लेस इन द कैपिटल स्ट्रक्चर इफ प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लो। तो सिंपल एक चीज समझ लो कि कैपिटल स्ट्रक्चर्स में डिबेंचर ऐसा तो है नहीं कंपल्सर, अभी समझ लो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो वो मीन्स कंपनी के लिए बर्डन हो जाएगा कि 12% 13 या 15-14% का इंटरेस्ट का रेट चल रहा है, अदर कंपनीज दे रही है, तो फिर हमें भी डिबेंचर इशू करने के लिए वही करना होगा। तो ज़्यादा बर्डन है तो फिर हम डिबेंचर इशू नहीं करेंगे, वहाँ पर हम इक्विटी सेल्स और प्रेफरेंस सेल्स से भी यानी कि वो हमारा बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं, और वी कैन मेक इन आवर कैपिटल स्ट्रक्चर दैट इक्विटी सेल और प्रेफरेंस सेल्स ओनली। एंड व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रिड्यूस, व्हेन जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो वी कैन इंक्लूड द डिबेंचर्स इन अ कैपिटल स्ट्रक्चर्स में हम उसे कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंसिस ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज। अब सिक्योरिटीज़ को इशू करने के लिए तुम्हारी जो कॉस्ट लग रही है यानी कि जो एक्सपेंस होने वाला है वो भी कंसिडर करेंगे। व्हेन सिक्योरिटीज आर इशूड टू रेज कैपिटल, कंपनी हैज़ टू इनकर एक्सपेंस फॉर इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। कंपनी को जब मीन्स कैपिटल रेज करनी है तो उसे प्रोस्पेक्टस इशू करने के लिए भी एक्सपेंस होने वाला है। अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटर्स रखेंगे सपोज के सेल करने के लिए तो उनको कमीशन देना है, ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे एक्सपेंसेस कंपनी को बर्डन करने हैं। तो ये सब सिचुएशन यानी कि ये सब बर्डन नहीं करना पड़े तो कंपनी डिबेंचर इश्यू कर सकती है, लोन से भी कर सकती है, डिपेंड कर रहा है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मोर एज द एक्सपेंस आर मोर, जितनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितनी इंक्रीज हो रही है उतना तुम्हारा एक्सपेंस भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वो कंपनी को पे करना है। द एक्सपेंस इनकर्ड इन इशूइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज आर डिफरेंट, द एक्सपेंसिस इनकर्ड इन इशूइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज आर डिफरेंट, डिफरेंट सिक्योरिटीज में डिफरेंट है। ऑल्दो The expense on issuing debentures is lower than the issue of other securities. Although the expense on issuing debentures, debentures issue करने के लिए जो expense हो रहा है is lower than the issue of other securities. So other securities की comparative में जो कम हो रहा है debentures को issue करने का expenses है कम है, तो फिर company debenture issue करेगी। Next, legal restrictions. तो लीगल रिस्ट्रिक्शंस आर ऑल्सो टू बी कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ सिलेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर्स। जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर्स डिसाइड करेंगे कि द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने होने चाहिए, प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं, डिबेंचर्स कितने हैं,
तो लीगल रिस्ट्रिक्शंस को भी माइंड में रखेंगे। एज पर कंपनीज एक्ट द कंपनी रेजिंग कैपिटल फंड थ्रू सिक्योरिटीज हैज टू इश्यू इक्विटी शेयर कंपलसरी, यानी कंपनी को जब भी कैपिटल रेज करना है तो उसे इक्विटी शेयर कंपलसरी इश्यू करने हैं। इन एडिशन टू दिस रूल्स ऑफ सेबी एंड आरबीआई एंड प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट आर टू बी कंसिडर, उनको सेबी का देन कंपनीज एक्ट जो है वो और आरबीआई के जो रूल्स और प्रोविजन है उसे भी फॉलो करना है। यानी कि लीगल रिस्ट्रिक्शन जो है, जैसे कि शेयर इश्यू करने हो तो डिस्काउंट से नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट दी स्वेट इक्विटी से। फॉर एग्जाम्पल कंपनी को भी मीन्स मार्केट में कुछ ना कुछ स्कीम करके करना हो तो डिबेंचर इशू कर सकते हैं, फिक्स रेट डिविडेंड देना हो तो तुम प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो, यानी कि वो डिपेंड कर रहा है। नाउ टैक्सेशन पॉलिसी, तो कंपनी फॉलोज द ट्रेंड ऑफ इशूइंग डिबेंचर्स, कंपनी फॉलोज द ट्रेंड ऑफ इशूइंग डिबेंचर्स टू एक्वायर मोर कैपिटल फंड इफ टैक्सेशन रेशियो इज हाई बिकॉज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर इज डिडक्टिबल फ्रॉम द इनकम इन ल्यू ऑफ टैक्सेशन पर्पज। यानी टैक्सेशन पर्पज के लिए जो भी हम डिबेंचर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसमें से टैक्स क्या होने वाला है, डिडक्ट होगा, यानी कि टैक्स डिडक्ट करके करेंगे। नेचुरली इक्विटी शेयर्स बिकम्स मोर पॉपुलर इफ द इनकम ऑफ डिविडेंड इज टैक्स फ्री और द रेट इज लोअर ऑन द डिविडेंड इनकम। तो टैक्स फ्री होना चाहिए और रेट ऑफ डिविडेंड कम है तो, क्योंकि वही से टैक्स फ्री है तो डिपेंड कर रहा है कि कौन से सिचुएशन में कौन सा ज़्यादा बेटर है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट एंड अ सेंट्रल गवर्नमेंट एटसेट्रा इन्वेस्ट इन अ शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ द कंपनीज एज पर देयर एस्टेब्लिश्ड रूल्स एंड कंडीशंस। यानी कि उनके जो रूल्स एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग भी वो कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ट्रेंड्स एंड कंडीशंस ऑफ ऑल दिस इंस्टीट्यूट्स आर कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ फॉर्मुलेटिंग कैपिटल स्ट्रक्चर्स और एट द टाइम ऑफ अल्टरेशंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर्स। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो इंश्योरेंस कंपनी है, चाहे बैंक कंपनी हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स है, उन सबको एक क्राइटेरिया है और उसी क्राइटेरिया के थ्रू वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ कंपनी एज पर देयर एस्टेब्लिश रूल्स एंड कंडीशंस, उसके जो भी रूल्स एंड कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग वो कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ट्रेंड्स एंड कंडीशन ऑफ ऑल दिस इंस्टीट्यूशंस आर कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ फॉर्मुलेटिंग कैपिटल स्ट्रक्चर्स। ट्रेंड एंड कंडीशंस ऑफ ऑल दिस इंस्टीट्यूशंस, यानी उनके ट्रेंड्स ऑन कंडीशंस जो भी हो जब हम फॉर्मुलेट करेंगे तो उसे कंसिडर करेंगे, और एट द टाइम ऑफ अल्टरेशन ऑफ कैपिटल, जब कैपिटल में कोई चेंजेस करना हो तो हम उसे कंसिडर करेंगे। और लास्ट पॉइंट है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशंस इज सच एन इन्वेस्टर सॉरी इंस्टीट्यूशंस विच इज एस्टैब्लिश्ड एंड रजिस्टर्ड आउट ऑफ इंडिया एंड हुज ऑब्जेक्टिव इज टू इन्वेस्ट इन प्रिस्क्राइब्ड सिक्योरिटीज इन इंडिया। तो सिंपल है, आउट ऑफ कंट्री में से जब मीन्स इंडिया में कोई इन्वेस्टमेंट आ रहा है, रजिस्टर्ड आउट ऑफ इंडिया यानी कि जो कंपनी इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड हुई है बस वो इन्वेस्टमेंट मीन्स एंड ऑब्जेक्टिव टू इन्वेस्ट इन अ प्रिस्क्राइब सिक्योरिटीज, यानी जो फिक्स इन्होंने डिसाइड किए प्रिस्क्राइब सिक्योरिटीज में वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन हैज टू मेक रजिस्ट्रेशन विथ सेबी, सच इंस्टीट्यूशंस आर परमिटेड टू परचेज शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ इंडियन कंपनी, उनको सेबी में उनका रजिस्ट्रेशन करवाना है और वो मीन्स जो इंस्टीट्यूशंस है वो इंडिया के मीन्स शेयर और डिबेंचर्स और प्रेफरेंसेस परचेज यानी कि सिक्योरिटीज परचेज कर सकते हैं। सो दैट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ फॉर द कैपिटल स्ट्रक्चर्स। कैपिटल स्ट्रक्चर्स डिसाइड करने से पहले
हमें इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को प्रॉपरली स्टडी करना है, फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है। सो आज मीन्स दो टॉपिक्स हमने किए, वहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वर्किंग कैपिटल, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।